चलिए गाइस, तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं पतंजलि का लीवा अमृत सिरप के बारे में। जो मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं आपका, पतंजलि का लीवा अमृत सिरप है जो लीवर संबंधित रोगों में काम करती है। जानेंगे इसमें कौन कौन सा जड़ी बूटी मिलाकर इस सिरप को तैयार की जाती है, इसे इसको कैसे यूज करना है, किन किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और किन किन लोगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसकी क्या साइड इफेक्ट होती है, तो पूरे विस्तार से हम जानने वाले हैं लीवा अमृत सिरप के बारे में। तो आप लोग हमारा इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर हमारा वीडियो आप लोग आज पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम जानते हैं पतंजलि का लीवा अमृत सिरप के फायदे के बारे में पूरी विस्तार से। तो ये जो सिरप है आपका लीवा अमृत जो सिरप है जो जड़ी बूटी के द्वारा तैयार की जाती है, इसके जो फायदे हैं जो इस्तेमाल करवाई जाती है आपका लीवर को स्वस्थ बनाने के लिए इस सिरप का प्रयोग करवाई जाती है। आपके लीवर में जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर कर लीवर को स्वस्थ करती है। लीवर मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। लीवर आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करने में कार्य करता है, लेकिन आजकल का बदलते जनजीवन एवं खान पान के कारण आप अपने लीवर को प्रतिदिन कमजोर बनाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपका लीवर फैट लीवर हो गया है या लीवर में सूजन आ गया हो तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। का इस सिरप का इस्तेमाल करने से, लीवा अमृत सिरप का प्रयोग करने से, जैसे आपको भूख ना लगने की समस्या हो, जो भी खाते पीते हैं अच्छे से भोजन ना पचता हो, उसमें अगर इस सिरप का प्रयोग करते हैं तो आपको भोजन अच्छी तरह से पचाता है और भूख को बढ़ाती है और वजन को भी बढ़ाती है और शरीर की कमजोरी को दूर करती है। और आपका फैट लीवर हो गया, हेमाटाइटिस हो गया आपका, भूख नहीं लगने की समस्या है, खून की कमी हो गया आपका, पीलिया हो गया आपका जिसे जॉन्डिस कहते हैं, आदि रोगों में इस सिरप का प्रयोग करने से अच्छा लाभ होता है। लेकिन इस सिरप प्रयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर या वैद्य के सलाह के अनुसार ही प्रयोग करें, अपनी मर्जी से इस सिरप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं हम लीवा अमृत सिरप में कौन कौन सा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी को मिलाकर इस सिरप को तैयार की जाती है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पहला जो इसमें डाली गई आपका पूर्णिमा डाला गया, जो पूर्णिमा काफी रोगों में प्रयोग करवा जाती है, जैसे आपका शरीर में सूजन है, मूत्र रोग हो गया आपका, पथरी में प्रयोग की जाती है, बढ़े हुए पित्त और कफ को भी संतुलित करता है और आपका हृदय और युक्त फेफड़े नेत्र रोगों के लिए टॉनिक की तरह पूर्णिमा काम करती है। दूसरा जो डाली गई आपका अर्जुन डाले गए, अर्जुन जो आपका हृदय रोग में अर्जुन का प्रयोग करवा जाती है। तीसरा डोल डाला गया आपका गुंगराज डाला गया है, मकोय डाला गया आपका, भूमि आंवला डाला गया, भूमि आंवला जो आंवला में विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, आपका त्रिफला डाला गया है, त्रिफला जो है आपका पेट और गैस संबंधित रोगों में त्रिफला का प्रयोग करवाई जाती है, आपका गिलोय डाला गया है, गिलोय के भी काफ़ी रोगों में इस्तेमाल करवाई जाती है, गिलोय भी काफ़ी फायदेमंद जड़ी बूटी में से है, आपका मुलेठी डाला गया है, कमलम बेघा डाला गया आपका, दारू हल्दी डाला गया आपका, कुटिकी डाला गया है, आदि जड़ी बूटी को मिलाकर इस सिरप को तैयार की जाती है। चलिए हम जान लेते हैं अब लीवा अमृत सिरप का सेवन विधि और मात्रा के बारे में, इसे कैसे सेवन करना चाहिए। तो देख रहे हैं हम एक कप में आधा कप पानी लिए हैं, देख रहे हैं दोस्तों इस तरह से हम आधा कप पानी लिए हैं और दवा को कितना लेना है, एक चम्मच की मात्रा में दवा को लेना है। देख रहे हैं हम इसको एक चम्मच ले रहे हैं दवा को लेकर आधा कप में पानी में अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। देख रहे हैं पानी में डाल रहे हैं, पानी में डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको सेवन कैसे करना है, सुबह खाली पेट खाना खाने से आधा घंटा पहले इस दवा को पी लेना है और सुबह शाम भी इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चों को देना है तो आधा चम्मच की मात्रा में आधे कप पानी में मिलाकर बच्चों को देना है। तो किन बच्चों को देना है, जिसका 5 साल से ज़्यादा उम्र हो उन बच्चों को आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। चलिए हम ये भी जान लेते हैं अब लीवा अमृत सिरप किन किन लोगों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो आपका गर्भवती महिला हैं, गर्भवती महिलाओं को इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और आपका स्तनपान कराने वाली महिला को भी इस सिरप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो बच्चे 5 साल से नीचे हैं उसको इस सिरप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 5 साल से ऊपर बच्चों को कम मात्रा में इस सिरप का प्रयोग करवाना चाहिए।
और बात करें इस सिरप का साइड इफेक्ट बारे में, तो इसका अगर सही मात्रा में लिया जाए तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। बात करें इस सिरप का एमआरपी का, तो इसकी जो एमआरपी है आपका दोस्तों, जो बोतल की कीमत है 90 रुपया इसकी एमआरपी है, जो आपका पतंजलि का स्टोर में बहुत आसानी से सिरप मिल जाती है, जो लीवर को स्वस्थ बनाने के लिए इस सिरप का प्रयोग करवाई जाती है विशेषकर। तो चलिए अब हमारा वीडियो लास्ट होता है, अगर हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, इसका रिप्लाई बहुत जल्द दूंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट।